जारी है। अब इस मौजू पर हम तफसीली इसका एनालिसिस करते हैं और इन वादों को हम जांचते हैं पाकिस्तान की इस डूबती मईशत में ये कितना बड़ा सहारा है, किस हद तक ये पाकिस्तान की मईशत की माशी रिकवरी में ये माविन साबित होंगे और किस कितने अरसे के लिए। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माशी उमूर के मुमताज़ माहिर और पाकिस्तान के वजारत ख़जाना में कई साल बहुत ही खिदमात अंजाम दी हैं, बहुत ही नादिर खिदमात अंजाम दी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फरमाइएगा, इस बहुत तकलीफ दे और चैलेंजिंग माहौल के अंदर पाकिस्तान डोनर्स कॉन्फ्रेंस में गया था जिनीवा, वहाँ से अब तक की जो इतलात आई हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। 8.5-9 अरब डॉलर के हमें वादे मिल गए हैं आलमी मालियाती इदारों से और दोस्त ममालिक से, और अभी ये कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है के इख्तिताम होने को है। कितनी मौसर और डिपेंडेबल और ये एक हौसला अफजा डेवलपमेंट है आपके नज़दीक? खबर पाकिस्तान के लिए तो अच्छी है बिल्कुल। ऐसे माहौल में अगर हमें कहीं से प्लेज की शक्ल में 8-9 बिलियन डॉलर का आ जाए तो ये उस लिहाज से ये खबर तो अच्छी है, लेकिन हमारे पास जो है इस वक्त जो है डॉलर की ज़रूरत है और ये जो पैसे हैं ये कल तो नहीं आ जाएंगे पाकिस्तान में। इसमें जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, 4.2 बिलियन डॉलर गालिबा उन्होंने प्लेज किया है, तो ये तो हमें नॉर्मल जिस तरीके से 1 से 1.5 बिलियन डॉलर हमें ये साल का देते हैं कमोडिटी फाइनेंसिंग के लिए जिसमें ऑयल की पेमेंट भी है, तो ये 3 साल के लिए उन्होंने प्लेज किया है, 3 साल के लिए प्लेज किया है, तो ये हमें हर साल जो है 1 से 1.5 बिलियन डॉलर के करीब इनसे मिलेगा। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक है, 2 बिलियन डॉलर शायद उन्होंने प्लेज किया, तो ये कल हमें तो हमारे अकाउंट में तो पैसे नहीं आ जाएंगे। वर्ल्ड बैंक फिर उस तरीके से देता है कि आप इसके लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट की अप्रूवल होगी जो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है, तो वो प्रोजेक्ट चाहिए होगा जो हमें उनको बनाकर देना है और उस प्रोजेक्ट के को वो फंड करेंगे इसी 2 बिलियन डॉलर से, क्योंकि ये नो इसको जहन में रखना चाहिए कि ये फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड अफेक्टेड पीपल, फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लिए है। तो डॉक्टर साहब हमारी तो ज़रूरत है बैनुल अक्वामी अदायगियाँ इस वक्त की, जाहिर है हमें अपनी तामीर नौ सैलाबज़दा इलाकों की करनी है, लेकिन जो हमारी कलीदी जिम्मेदारी है जिससे कि हमें डिफ़ॉल्ट से बचना है वो है हमारी 23 अरब डॉलर की अदायगियाँ। और आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो इस वक्त जो आज डोनर कॉन्फ्रेंस ने हमारी मदद की है वो इस मद में हमारे लिए माविन साबित नहीं होंगी या ये हमारी ज़रूरत को सहारा नहीं देंगी या इससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सारा मिल जाएगा? देखिए मार्केट में कल जो खबर आएगी तो मार्केट में थोड़ी सी कामनेस आपको नजर आएगी, लेकिन बात यह कि ना हमें तो पैसे चाहिए इस वक्त। हमारे पास इस वक्त डॉलर जो है हमारे अकाउंट में तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर के करीब पड़ा हुआ है स्टेट बैंक में, तो हमें तो उसमें इजाफा होना है, उसमें तो कहीं से इजाफा हो नहीं रहा है बल्कि कम होता चला जा रहा है, तो इसलिए ये डॉलर एक प्लेज है, प्लेज और उसको एक्चुअल में ट्रांसफर करने में वक्त लगता है और ये कल जो है ये पैसे नहीं आएंगे हमारे पास में। जैसे मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आपको मिलेगा, इसमें देखें ज्यादातर जो लोन है हमारे बल्क जो है वो तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के हैं जिसमें IDB भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, गालिबन AIIB जो है चाइना का वो भी इसमें शामिल है, तो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस का है। ये हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए या बजट के सपोर्ट के लिए ये पैसे नहीं आएंगे, ये प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में आएंगे जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे अपने रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन के हवाले से। तो डॉक्टर साहब जो हमारी ज़रूरत है जो कि हमारे कि हमें डिफ़ॉल्ट से बचें और हम इस सूरत हाल में ये 23 अरब डॉलर की जो हमें साल की अदायगियाँ करनी है उसके लिए फिर क्या होगा, क्योंकि ये तो इस मद में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकते जैसे आपने फरमाया है, तो वो ज़रूरत हमारी क्यों पूरी होगी? दूसरी जानब मुझे ये बताइएगा कि बहुत अहम दौरा है जो कि चीफ ने सऊदी अरब का किया और कल से फिर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मिल के UAE के सरबराह से भी मिलेंगे, तो ये जो वहाँ से हमें तवक्को है क्या वो इसमें शामिल है जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक ने हमारी मदद की या हमें अलहदा से कोई माली मदद मिल सकती है सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अरब इमारात से?
देखिए, ये तो हमें वक्त ही बताएगा कि क्योंकि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक अगर 3 साल के लिए उन्होंने $4 बिलियन से ज़्यादा का प्लेज किया है, तो जब तक के सऊदी हुकूमत का इसमें मंशा शामिल ना हो तो वो नहीं कर सकते हैं। क्या इसके ओवर एंड अबव जो है वो हमें कुछ पैसा प्लेस करना चाहते हैं या पैसा देना चाहते हैं हमें, ये तो अभी दौरा मुकम्मल हो तो पता चलेगा। क्योंकि अगर हमने $3 बिलियन जैसे सऊदी अरब का अभी भी हमारे पास में है, तो अगर वो तो एक तरीके से जब वक्त आएगा पेमेंट करने का तो वो हमेशा से हमारी हेल्प करते रहे हैं और वो उसको आगे की तरफ कर देंगे कि हमें इमीडिएट न देना पड़े, तो क्या वो भी इसमें शामिल है? ये अभी क्लियर नहीं है। अभी जो है सऊदी अरब से क्या मिलेगा, यूएई से क्या मिलता है, ये तो दौरा के ख़त्म होने के बाद जो ऐलानात जारी होंगे उससे पता चलेगा हमें। और इसी दौरान हमारे जो एक तातुल है, एक तरह का एक 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 तातुल है हमारे और आईएमएफ के दरमियान, वो जो प्रोग्राम है वो भी एक तरह से मुअल्लक है, वो रिस्टोर होना भरपूर तरीके से कितना ज़रूरी है और उसका कितना असर होगा, ये जो प्लेजेस हमें वादे मिले हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग है, ये आपको नहीं मिल सकेगी जब तक के हम आईएमएफ का प्रोग्राम रिस्टोर ना हो जाए। तो वो जैसे मैंने कहा कि ये प्रोग्राम जो है इतना ब्रूटल आईएमएफ का प्रोग्राम है जो कभी शायद आईएमएफ ने कभी किसी मुल्क को नहीं दिया था, खासकर पाकिस्तान को कभी इतना ब्रूटल प्रोग्राम नहीं दिया गया था। तो अब हम चूँकि हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं, हमें हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है बट टू कंटिन्यू विद दिस आईएमएफ प्रोग्राम। इसको रिस्टोर करें आप, इसको दोबारा कम से कम जून 2023 तक ये जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है इसको तो हमने चलाना ही चलाना है। ये वक्त की ज़रूरत है, चाहे जितनी ही कड़वी गोली हो हमें खानी पड़ेगी, जितना पॉलिटिकल कॉस्ट इस गवर्नमेंट को बेयर करना होगा इन्हें करना पड़ेगा ये काम।